नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पल्सर 150 सीसी इंजन फिटिंग कैसे करते हैं। देखिए, इसका हमने हाफ इंजन खोला है और इसमें ऊषा की पिस्टन हमने डाली है, ठीक है। और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ऊषा की पिस्टन सही है या गॉड्स की सही है, कौन सी पिस्टन सही रहती है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, हम पिस्टन में रिंग डाल लेते हैं, उसके बाद सिलेंडर किट कसेंगे। पहले हम रिंग को फिटिंग कर लेंगे। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हम न्यू वीडियो जब भी अपलोड करें आपके पास जल्द से जल्द आ सके। चलिए, हम फटाफट रिंग डाल लेते हैं। रिंग डालने के बाद फिर हम सिलेंडर किट को कसेंगे। अब देखिए, रिंग पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप रिंग कैसे फिटिंग करते हैं वो देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके उसे देख सकते हैं। रिंग को हमने फिटिंग कर लिया है। अब पिस्टन को हम असेंबली में फिटिंग करेंगे, उसके बाद सिलेंडर किट लगाएंगे। चलिए, इसे कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। फुल डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे, किस तरीके से इंजन फिटिंग की जाती है, टाइमिंग कैसे सेट की जाती है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देंगे। और देखिए, पिस्टन में जो ये कट है इसे हम साइलेंसर की तरफ रखेंगे और उसके बाद लॉक लगा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा जो ये कट है ये साइलेंसर की तरफ ही रखें, कार्बोरेटर की तरफ मत रखें। चलिए, हम लॉक लगा लेते हैं, उसके बाद सिलेंडर किट फिटिंग करते हैं। पहले इसमें लॉक लगा लेंगे, हमने लगा लिया है लॉक को, हमने लगा लिया। अब सिलेंडर किट फिटिंग करेंगे। चलिए, सिलेंडर किट को बिठा लेते हैं।